बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजसमंद पहुंचकर द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और गहलोत व पायलट पर जोशी ने साधा निशाना कहा और आपसी लड़ाई में जनता का नुकसान हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज राजसमंद के दौरे पर रहे। उन्होंने सवेरे प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन किए व देश में रामराज के लिए मनोकामना मांगी व आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत के लिए मनोकामना मांगी। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गहलोत व पायलट की लड़ाई में देश राजस्थान की जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कुर्सी की लड़ाई में जनता को नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताया। इसका जवाब जनता जनार्दन ही देगी और आने वाले चुनाव में जनता यह तय करेगी कि कांग्रेस सरकार के द्वारा वादा करके वादा खिलाफी की गई तो इसका नुकसान कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं इस कुर्सी की लड़ाई ने राजस्थान को विकास की दृष्टि से पीछे धकेल दिया। इस लड़ाई में राजस्थान आज 4.5 वर्षों में आज़ादी के बाद से अब तक की महाभ्रष्ट सरकार राजस्थान की जनता ने देखी है। जो सरकार वादा करके वादा खिलाफी करती है, किसान की कर्ज माफ़ी का वादा किया, आज 19,000 किसानों की ज़मीन कुर्क होने को नीलाम होने की कगार पर है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। युवा अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया लेकिन 18 बार पेपर लीक हुए, ये अभी तक का मैं सोचता हूँ देश में किसी राज्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी कि लाखों युवाओं का भविष्य को खराब करने का पाप राजस्थान की सरकार ने किया है। सर, आप राजस्थान जिले में हैं, यहाँ पर एक झील का सबसे बड़ी समस्या है, काफ़ी सारी सरकार यहीं पर झील अभी तक नहीं बनेगी, और इसके लिए कोई योजना नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, तो निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार सोचेगी। सर सचिन जी ने एक बयान दिया था मोदी जी की 21 मई की अजमेर यात्रा को लेकर कि राजस्थान के नेताओं पर भरोसा नहीं है मोदी जी को, इसलिए बार बार राजस्थान आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ कांग्रेस पार्टी में देश में एक परिवार चल रहा है और प्रदेश में एक व्यक्ति चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार मोदी जी की लोकप्रियता को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पाती। आज देश ने दुनिया में लोकप्रिय चेहरा लोकप्रिय नेतृत्व है। दुनिया की संस्थाओं ने एजेंसियों ने सर्वे किया, उसमें दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है। आज ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी भी पीएम मोदी जी इज़ बॉस